Them live. आवाज आ रही है मेरी या म्यूजिक की, जल्दी से बताएं। हेलो, देख लेते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रही है। जिन लोगों को ये म्यूजिक मालूम है, they can understand इसका मतलब क्या है। What's up with the music? Shahnawaz. Shahnawaz, अगर आपको ये म्यूजिक नहीं पता यार, अगर आपको ये म्यूजिक नहीं पता तो आपने यार सब मिस किया है। यही तो म्यूजिक आजकल जो है काफी वायरल है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। इट्स गुड टू बी बैक एंड कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करनी है आज। लेट द ऑडियंस कम, अभी थोड़ी सी और आवाम आ जाए यहाँ पे, तो फिर उसके साथ हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक हाल अहवाल बताएं अपना, क्या सिचुएशन है, जहां भी रह रहे हैं क्या सिचुएशन है। मैं इस वक्त लंदन से लाइव हूँ। यहाँ पे सिचुएशन इस तरह है कि वजीर आजम यहाँ के आईसीयू में है और डॉन न्यूज वालों ने तो आज मार दिया था उनको। कॉफिन बॉयज अहमद हसन, जबरदस्त, सही पकड़ा। तो डॉन न्यूज ने तो उनको मार दिया था कि वो फौत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ लॉकडाउन काफी सख्त है, यहाँ पे काफी वॉलंटियर सर्विसेज भी चल रही हैं। अब मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन एक महीना हो गया है और मैं चार गलियों से बाहर नहीं गया। कहने को तो लंदन में हूँ लेकिन लग रहा है कराची में ही हूँ। बस ये कि सर्दी थोड़ी सी है, बाकी तो सब कुछ बहुत भारी है। तो एक वॉलंटियर सर्विस चल रही है ग्लोबली मिलियन मील्स के नाम से। बिलाल बिन साकिब, जिनके बारे में आपने मैंने बताया भी था आपको, जो थरा में लेके गए थे पानी वाला व्हील लेके, तो वो जो है बोस्टन इज बैड, वी हैड 1300 केसेस। वहाज, आई होप यू डूइंग वेल, मिस योर कमेंट्स ऑन WHG। तो यूएस के में वाकई जो है काफी 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 सिचुएशन हाथ से निकल गई है, अल्लाह रहम करे। समबडी वाज टेलिंग मी ऑन ट्विटर के न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स के बाहर पहले जब उन्होंने वेंटिलेटर ज्यादा मांगे तो मना किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। आज उन्हीं हॉस्पिटल्स के बाहर 18-18 व्हीलर ट्रक्स मौजूद हैं और वहां पे वो रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं जो कि फिर लाशों को, क्योंकि मॉर्ग में जगह नहीं है, अल्लाह रहम करे क्या सीन है। रयूर नकवी, आई होप यू डूइंग वेल, लॉन्ग टाइम नो सी। असिन भट्ट, वहाद शेख, वलीद, कासिम रजा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज काफी वीडियोज आई पाकिस्तान से, बहुत ही सीरियस नौयत की। ये मैं आपको भी कुछ दिखाता हूँ चूंकि ऑडियंस यहाँ ज्वाइन हो चुकी है काफी, तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें यहाँ शेयर करता हूँ। राशन की जो, जैसे आपने देखा था कल हम बात कर रहे थे GDC वाले जफर अब्बास भाई से बात हुई, प्रयास में मोती वाला से बात हुई, मेरा मुबीन जो है मेरे बहुत से दोस्त बेकार वाले वो भी राशन का कर रहे हैं। अब वो शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये थी मुबीन को कि शनाख्ती कार्ड में लोग ये कर सकते हैं कि देखिए ठीक है अपनी जगह जरूरतमंद लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल उठा रहे हैं। यानी एक ही शनाख्ती कार्ड दे के वो JDC से भी उठा रहे हैं, वो सैलानी से भी उठा रहे हैं। चले ठीक है किसी की जरूरत पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि होल्डिंग कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं बाकायदा। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह एक साहब जो है राशन एक्सचेंज करने आए। तो मुबीन को मैंने ये मशवरा दिया था कि रादर देन आप शनाख्ती कार्ड नंबर नोट करो, एक्सेल शीट वो बना रहा है, उससे बेहतर है आप खानदान नंबर नोट कर लो, क्योंकि फिर शनाख्ती कार्ड में क्या होगा, बाप एक दिन बाप शनाख्ती कार्ड देगा, एक दिन फिर अगले दिन माँ देगी, फिर बाप बेटा फिर बेटी, इस तरह तो एक ही घर में चार चले जाएंगे। जहाँ चार घरों को राशन जा सकते थे, चार फैमिली सपोर्ट हो सकती थी, वो फिर
तरह होर्डिंग हो रही है, और चूंकि कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, लेकिन नादरा का इतना जबरदस्त डेटा मौजूद था, कल अयाज में मोती वाला यही बात कर रहा था, जब नादरा के पास एक डेटा मौजूद है उसी में एक फर्दर एक्सटेंशन करके जहाँ पे जो राशन ले रहा है उसकी डिटेल वहां पे ऐप के जरिए वहां पे आ जाएगी कि किस तारीख को कितना कितनी मालियत का राशन ये शनाख्ती कार्ड होल्डर ले चुका है, तो डबलिंग ना हो। ठीक है, अभी मसला ये हो रहा है जो सफेद पोश है वो बेचारा मांग नहीं रहा, वो इसलिए भी नहीं मांग रहा कि एक तो जिंदगी में कभी उसने मांगा नहीं, सारी जिंदगी मेहनत करके कमाया है, अपने बच्चों को खिलाया, अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सबको घरों में बिठा दिया है पूरी दुनिया में। अब पाकिस्तान में तो ये कि मतलब सैलरी वैलरी सब बंद कर दी, स्कूल की फीसें ली जा रही है लेकिन स्कूल की टीचर्स की सैलरी बंद हो गई। सिमिलरली जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी यही हो रहा है, लोगों को घर बिठा दिया गया, रेस्टोरेंट्स के सारे बिजनेस बंद हैं, वो पहले ही बेचारे इतने अंडर पेड होते हैं वेटर्स, और वेटर खासतौर पर सर्विस स्टाफ, चूंकि मैं खुद मेरा बड़ा क्लोजली ताल्लुक रहा है, तो उनकी तनख्वाहें ज्यादा नहीं होती, उनकी टिप्स चूंकि ज्यादा होती हैं तो वो टिप्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं रात दिन तनख्वाह पे। अब चूंकि टिप का सीन ही नहीं है तो तनख्वाह मिलेगी भी तो वो कितनी खातिर खा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके लाइफ स्टाइल में। सो सिचुएशन इज रियली रियली ग्रेव। अब मैं आपको एक वो वीडियो दिखाता हूँ जो मैं आपको कह रहा था कि जिसमें ये दिखाया गया है कि राशन किस तरह जो है इसकी होर्डिंग हो रही है, ये आप जरा देखें स्क्रीन पे, आई होप आवाज अगर इसकी आए। अब ये देखें ये साहब जो है, एक सेकेंड, आई थिंक ये स्क्रीन शेयरिंग सही नहीं हुई है, मैं जरा दोबारा इसकी कोशिश करता हूँ। यार एक नए नए सॉफ्टवेयर हमारे मत्थे पड़ गए ना, समझ नहीं आता ये है स्क्रीन। हाँ अब मैं आपको दिखाता तो बेसिकली आप समझ गए कि ये साहब जो खड़े हुए काउंटर पे, ये थैला कहीं से स्कोर करके लाए और एक दुकान वाले के पास गए, दुकान वाला होशियार है, उसने उसकी वीडियो बना ली, वो ये कह रहा है कि मुझे इसके बदले साबुन शैम्पू और इस तरह का सामान दे दो। तो ये हो रहा है बेसिकली। अब जहाँ बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी मेहनत जो है ना कहीं कहीं एक बहुत बड़ी परसेंटेज उनकी मेहनत रायगां जा रही है, जाया जा रही है, क्योंकि जो डिजर्विंग है उसको वो चीज सामान मिल नहीं पा रहा और इस तरह ये बेचा जा रहा है। और ये एक मिसाल है, इस तरह की बहुत मिसालें ऑलरेडी मौजूद हैं। आज भी एक दुनिया टीवी ने एक रिपोर्ट की थी छुपा के कैमरा, कि ये जितने भी मजदूर बन के लोग खड़े हुए हैं सिग्नल्स पे या कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, नीपा चौरंगी हो गई, डिफेंस की गलियां हो गई, वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम मजदूर हैं, हमें मजदूरी नहीं मिली तो कोई राशन वाशन दे दे। तो वो दुनिया रिपोर्ट न्यूज का रिपोर्टर जो है वो बकायदा गया है और उसने जो है उनसे पूछा है कि घर चलो वो करनी है, आपने मजदूरी करनी है, मुझे फलानी चीज सही करानी है, दीवार तोड़वानी है, वो तो उनको आता ही नहीं है, वो खुद कह रहे हैं हमें आता नहीं है, या सामान पूरा नहीं आया, मतलब बहानेबाजी। तो ये सिचुएशन है, मैं अगर कोशिश करता हूँ अगर ये वीडियो चल जाए तो मैं आपको वो वाली वीडियो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, या फिर ये कि चले लंबी वीडियो है आप समझ गए मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ।
एक और वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये बॉर्डर्स की बात हो रही है, बॉर्डर्स बंद करने की बात हो रही है। कितना संगीन मसला है, और ये आप जरा चेक कीजिए। ये ताफ्तान का बॉर्डर है, ये आज खुला है, और ये लोग किस तरह आ रहे हैं। अब आई एम नॉट श्योर ये आज की वीडियो है, ये कब की है, लेकिन जिस तरह ये लोग आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है इमाद जफर साहब ने। तोरखम बॉर्डर, सॉरी ताफ्तान कह रहे थे मैं, तोरखम बॉर्डर खुली है और बगैर किसी टेस्ट के लोग इस तरह पाकिस्तान में। अब ये आप देख ले, ये हजारों का मजमा, ये इस तरह ये एंटर हो गया आज, और इसमें कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई सिलसिला नहीं। अब इसमें हमेशा की तरह कुछ लोग आज भी बोलेंगे कि आप ही तो कह रहे थे कि चाइना से स्टूडेंट्स को ले आए। 2 फरवरी को मैंने वो वीडियो बनाई थी, अगर उर्दू समझ आती तो दोबारा जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने साफ कहा था कि जो स्टूडेंट्स वहां पे फंस गए हैं, जिनको नहीं हुआ टेस्टिंग करके ले आए और ला के आइसोलेशन में रखें, क्वारंटीन। मैंने नहीं कहा था कि इस तरह ला के छोड़ दें जंगलों में और शहरों में छोड़ दें, डॉर्मेंट मॉल में पीजे वीजे खाते फिर। मैंने कहा था आइसोलेट करें, नहीं कर सकते, फैसिलिटी नहीं है, तो किसी ब्रादर मुल्क को बोल दें, तो टर्की को बोल दें, सऊदी को बोल दें, किस काम के हमारे दोस्त। तो मैंने इस वीडियो में, उस वीडियो में क्लियरली ये बात बोली, लेकिन लोग आज तक आप ही तो कह रहे थे कुछ साथ। चलो ठीक है, अगर वो बंद की थी तो ये खोल दी, अब ये आपके सामने, अब ये फैलता चला जा रहा है। मुर्तजा वहाब साहब की आज एक ट्वीट आई थी, और उसमें उन्होंने जो है आज ये एक्सप्लेन किया कि जो ग्रेविटी है बेसिकली क्या है। ये मैं जरा आपके साथ इमेज शेयर करता हूँ, आप ये जरा देखें कि केसेस की सिचुएशन कहाँ पहुंच गई है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेनेटर मुर्तजा वहाब साहब की ट्वीट है। ही सेइंग कि पाकिस्तान का पहला कोरोना का केस 26 फरवरी को हुआ था, और उसके बाद से हजारवा केस 29 दिन में, फिर 1,000 से 2,000 केस अगले 7 दिनों में, फिर 2,000 से 3,000 केस अगले 5 दिनों में, और फिर 3,000 से अगले 4,000 गालिबन 3 दिनों में आ जाएंगे। तो ये इस स्पीड से ये बढ़ रहा है, और ये वो है जो के टेस्ट हुए हैं। अभी मैं शाज़े खान दादा के शो की कुछ इमेजेस देख रहा था, जिसमें मुराद अली शाह उनके साथ लाइन पे होंगे गालिबन, तो वो ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है टेस्टिंग की, और ये जो नंबर कम आ रहे हैं इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई कि जी अफ्रीका के फलाने मुल्क में जो है 0 केसेस क्यों है, क्योंकि उनके पास टेस्ट ही नहीं है चेक करने को, तो टेस्ट होंगे तो चेक करेंगे ना। तो भाई इस वक्त हम लगभग 15-20 हजार केसेस पे बैठे हुए हैं, और अगले अगला हफ्ता, अगले 15 दिन जो है, जैसे कि लंदन के बारे में कहा जाए, जो मैक्सिमम कर्व है वो 11 अप्रैल से आना शुरू होगा। अब वो कर्व कब तक रहता है, इट डिपेंड्स ऑन कि लॉकडाउन कितना अच्छा है यहाँ का। वैसे तो काफी अच्छा है, मैं सुपरमार्केट पे जाता रहता हूँ मोहल्ले वाली, तो लॉकडाउन नहीं होता, लोग डिस्टेंस करके खुद ही रखते हैं, किसी को ही सर्कल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ना ही किसी को बताया गया, ना कोई पुलिस वाला डंडे लेके खड़ा है, लोग समझ पा रहे हैं, चावल भी भरे पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया में जो है इस किस्म के लोग होते हैं, 2 दिन से सूरज निकल रहा है तो ये नंगे पंगे आके यहाँ घासों पे लेटे हुए, तो ये चावल सीन भी यहाँ पे चल रहा है। तो ये सीन है भाई आजकल, और ये चल रहा है। बाकी अल्लाह रहम करे, अब ये तोरखम बॉर्डर से जो आपने देखा है, ये गॉडज़िला जो इतने सारे आए हैं एकदम या फिर अब इसमें से कितने इन्फेक्टेड होंगे ये तो फिर अल्लाह ही जानता है। क्या कर सकते हैं भाई, ये तो मतलब एक तो होता ना कि अगर 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 इट वाज अननोन फॉर अननोन टू अस, और ये आया हुआ होता तो फिर समझ आता कि गलतियां हो रही हैं, क्योंकि भाई हमारे पास वी हैड नो मिस्टेक टू लर्न फ्रॉम। आप पूरी दुनिया की मिस्टेक देख रहे हो, और दिसंबर से देख रहे हो, अप्रैल शुरू हो गया, आप दिसंबर से देख रहे हो कि भाई ये मुल्कों ने ये गलतियां की, तो इस तरह मुक्त करें। तो अकलमंद आदमी हमेशा दूसरे की गलती से सीखता है, अगर हम फिर बजे हैं
अपनी गलती करने में। और मैं पिछले सेशंस में भी मैंने बोला ये दुनिया से खत्म हो जाएगा, हम जिस तरह पोलियो पाल के घूम रहे हैं इसी तरह हम शायद कोरोना भी पाल के घूमे, और आने वाले वक्तों में हम पे वैसे ही वीजों पे हमारे जो शर्त होती है पीला वाला कार्ड पोलियो का लेके हम घूमते दुनिया भर में, जो पूरी दुनिया में नहीं होता बशर, मतलब कोई कोई इसमें शक नहीं कि कल को आलमी दुनिया जो है आलमी ममालिक जो है वो हम भी शर्त लगा लेंगे भाई कोरोना का टेस्ट कराओगे तो जो है लाल वाला कार्ड लेके हमारे मुल्क में आना, बीमारी लेके हमारे मुल्क में, हम बड़ी मुश्किल से कवर किया इसे जान छुड़ाई तुम फिर ले आओगे। तो फिर वही होगा जिन्हें अस्पताल में 500-500 रुपए दे रहे होगे आप घर बैठे लाल कलर का कार्ड आ रहा होगा, ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगले साल आप देख लीजिएगा दुनिया निकल चुकी होगी इससे, हम लेके बैठे होंगे, फिर हम इस चक्कर में भी बैठे हैं कि भाई जरा ज्यादा लोग आगे पीछे हो तो फिर कोई इमदाद इमदाद का सीन हो जाए, क्योंकि तो हम चलते हैं इमदाद में, ये भी एक हमारा सीन है, तो रहम करें। खैर भाई आप लोगों के कमेंट जरा पढ़ लो, मैं तो बड़ी देर से बोल लिया। तुरखम बॉर्डर से मसला नहीं, ईरान के बॉर्डर से मसला नहीं, इंडियन बॉर्डर ओपन बिजनेस के लिए से मसला नहीं, यार अजीब समझ नहीं आया भाई। इस वक्त सारी बॉर्डर जो है डेंजरस हैं, यू नेवर नो कौन कहाँ से ट्रेवल करके कहाँ से कहाँ किस किस को टच करता हुआ, ये पिछले 4 महीने से चल रहा है खेल, किसने किसको टच कर लिया, कौन इन्फेक्टेड है क्या है, तो कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। अच्छा ओके, जूम से नफरत हो गई है यार, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ जूम पे यार, मेरे तो 3 दिन से चल ही नहीं रहा था, $50 तो खरीदा है आप लोगों की मोहब्बत में। What about Tajir लोग, they're eagerly waiting to reopen the markets. I don't see markets opening for another 2 weeks easily. उसकी वजह ये है कि देखें अभी मैंने आपको ट्वीट पढ़ाई, केसेस इस लेज पे पहुंच चुके हैं और ये it's only going to get worse unless there is a vaccine which is not there at the moment. ठीक है, होता ये है। अब जैसे देखें यूके में भी जो लॉकडाउन है वो 15 दिन का था, मगर एट द सेम टाइम स्कूल की छुट्टी दे दी और बच्चों को बोला जी अब सितंबर से ही खुलेंगे। ऑल्सो ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि जिन लोगों के विजिट वीजा 31 मई को एक्सपायर ऑटोमेटिक वो एक्सटेंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि 15 दिन का लॉकडाउन कर ली वाली, ये तो 31 मई तक एयरपोर्ट खोलने के मोड में नहीं है, ये पूरा क्लेंस करेंगे तभी खुलेंगे। तो ये वही लेसन है। देखें गौतम बुद्ध की एक मैं कहानी सुनाता हूँ आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है नहीं भी है तो सुन लें। गौतम बुद्ध और उनके जो पार्टनर थे, पार्टनर तो नहीं मतलब उनके साथी, उनके दोस्त अनंदा सफर कर रहे थे, वो निकले हुए थे जाहिर है अपने रिलीजियस सफर में, अपनी तलाश में। तो वो जंगल से गुजर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मगरिब से पहले या शाम सूरज ढलने से पहले वो किसी सूरज कह रहा हूँ सॉरी, ये अच्छा ये लोग कह रहे हैं ऑल्ट F4 दबाओ, बेटा मुझे पता है ऑल्ट F4 क्या होता है, बंद हो जाएगा। तो उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह हम मगरिब से पहले सूरज ढलने से पहले किसी शहर में, तो रास्ते में जंगल में एक लकड़हारा मिलता है, लकड़हारे से गौतम बुद्ध पूछते हैं कि वेयर इज द नेक्स्ट टाउन, तो वो कहते हैं ओनली 2 माइल्स, सिर्फ 2 मील दूर है। तो इस पे गौतम बुद्ध भी हंसता है, वो लकड़हारा भी हंसता है, आनंदा को ये बात समझ नहीं आती, वो चल पड़ते हैं, कई माइल गुजर जाते हैं, कई मील गुजर जाते हैं, फिर एक औरत मिलती है, वो खेत में काम कर रही होती है, उस औरत से गौतम बुद्ध पूछते हैं वेयर इज द नेक्स्ट टाउन, वो कहती है जस्ट 2 माइल। गौतम बुद्ध हंसता है, वो भी हंसती है, तो आनंदा को फिर समझ नहीं आती, फिर वो चलते चलते इस तरह 2-3 और लोग आते हैं और वो 2-2 माइल कहते रहते हैं। तो फिर एक पॉइंट के बाद आनंदा रोकता है गौतम बुद्ध को, कहता है एक्सक्यूज मी मुझे आप ये बात बताएं, पहले और आदमी ने बोला 2 मील, फिर वो आप भी हंसे वो भी हंसे, आगे गए औरत भी हंसी आप भी हंसे, इस तरह हर कोई हंस रहा है, क्या वजह? गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो 2 माइल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तो कह रहे हैं वो फिर 2 माइल क्यों कह रहे थे, कह रहे हैं वो 2 माइल इसलिए कह रहे थे अगर शुरू में ही वो बोले कि जी अगला शहर जो है 15 मील दूर है तो आपकी हिम्मत वहीं हार जाओगे, आप वहीं बैग फेंकोगे और वहीं लेट जाओगे, लेकिन आप जब 2-2 मील कहते हो ना तो इस तरह आप अगले की हिम्मत बांधते हो, वो हिम्मत तो इनको भी पता था कि हिम्मत बांधेंगे तो बंदा बहुत सारा सफर कर सकेगा। तो जिंदगी में भी कहते हैं दूसरे लोगों के लिए आप 2-2 मील बने और उनको हिम्मत दें आसरा दें। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ये 15 दिन का लॉकडाउन यहाँ यूके में कह रहे हैं, मगर सितंबर तक स्कूल्स बंद हैं और मई 31 तक ये वीजा उससे भी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो
ये भी वही गोली दे रहे हैं। अगर पहले दिन बोलते थे 3 महीने बंद है, यहाँ तो हंगामा हो जाएगा, किसी भी मुल्क में जितना पैसे वाला मुल्क हो, लोग पागल हो जाएंगे कि भाई हम नहीं रह सकते घर के अंदर, पागल हो जाएंगे। वही चीज यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है कि जो है लोगों को ठंडा रखने के लिए 2 2 हफ्ते, 2 2 हफ्ते। तो कराची में जिस तरह बोला पहले, वो 14 अप्रैल से, आज आज मुझे एक मैंने पोस्ट देखी कि काफी सीनियर डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि अगले 15 दिन और लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो ये 2 2 हफ्ते करके, ये जस्ट 2 माइल्स वही वाली है, क्योंकि अगर अगर पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगले 2 महीने बंद है, बेड़ा फर्क हो जाएगा। एक वीडियो भी मैंने देखी थी यूबीएल की किसी ब्रांच की कराची की, वहां लोग बाहर खड़े थे, गालिबन वो अपना कैश विड्रॉ कराने आए होंगे, बैंक ने फॉर व्हाटएवर रीजन शायद डिस्टेंसिंग की वजह से गेट बंद कर दिए कि भाई लोग एकदम यूं करके आ रहे थे। तो एक औरत ने या उसके बेटे ने पत्थर मार के पूरा शीशा तोड़ दिया, फिर रेंजर्स आ गई, पुलिस आ गई, पूरा बैंक का शीशा। तो अभी ये मारामारी शुरू हो चुकी है सड़कों, ये वीडियोस आ रही है, तो वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा। उसमें जाहिर है फिर लाइक लोग डिस्टर्ब होते हैं, मेरा ये भी मकसद नहीं है कि मैं डरा दूं बिल्कुल, लेकिन फिर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए ना कि जी सब अच्छा है, सब ठीक है, जो फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस अब आना शुरू हो गई है। कल एक पोस्ट आई हुई थी, हैदराबाद में ट्रक लूट लिया गया है खाने पीने का। अब जा रहे लोग सड़कों में निकले हुए, अब इसमें कितने नीडी हैं, कितने ऐसे हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि माल लूट लूट के भेज रहे हैं। एनीवे तो ये सीन है भाई। लॉकडाउन कर करके कयामत आ जाएगी, ये बिल्कुल कयामत ही है भाई। वो हमारे टीचर बोलते थे कि कैद जो है ना वो बड़ी संगीन होती है, अगर आप कोई खूबसूरत से महल में जिसमें बहुत आलीशान, आपकी सारी जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही हो, बड़ा सा बाग हो आपके टहलने के लिए, उसके बावजूद आपको ये कहा जाए ना कि आप किसी से मिल नहीं सकते, आप 1 हफ्ते में पागल हो जाएंगे। जितने क्योंकि इंसान की बुनियादी जरूरत है दूसरा इंसान, ठीक है, ये हमारे दीन में भी है कि भाई हमने इंसान को पेयर्स में बनाया, इंसान को चाहिए ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी। तो ये जो है ना इसके बड़े साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बिल्कुल होने वाले हैं। हमारे यहाँ तो इन चीजों को माना ही नहीं जाता, हमें तो बिल्कुल टाबू कि जी बस नमाज पढ़ लो, दीन से दूरी है, तभी डिप्रेशन है, तभी स्ट्रेस है। भाई हर हर बीमारी, ये भी जहनी बीमारी है ना, जिस तरह कैंसर का इलाज बिल्कुल दुआओं के साथ कीमोथेरेपी भी जरूरी है, इसी तरह अगर डिप्रेशन है या किसी भी किस्म की जहनी बीमारी है तो नमाज अपनी जगह अफजल, दुआएं अपनी जगह, लेकिन उसका इलाज भी उतना ही जरूरी है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले, देखिए बहुत से हमारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनसे अपनी ही जिनको जिन तो अपनी ही फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाते। टॉक्सिक माहौल है, बाप गालम गलोच करता है, मारपीट करता है गुस्से करने वाला, या बहन भाई बहुत ज्यादा है, घर में स्पेस कम है, लड़ाई झगड़ा बहुत है, रिमोट के ऊपर लड़ाई हो रही है, वाइफ आप तो चले सबके पास अपनी अपनी डिजिटल डिवाइस आ गई है, फिर ये कि जाहिर है चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे, फिर गर्मी भी शुरू हो गई है, फिर ये इलेक्ट्रिक बिजली भी बंद कर रही है, व्हाटएवर व्हाटएवर, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना, इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होंगे, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सोशल अपनी जगह, लेकिन ये भी चीज है जो कि बहुत जरूरी है। हाउ इज माई सन डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन, दूध पी रहे और सो रहे हैं, उनकी क्या मस्त लाइफ है यार। अच्छा जी, किसी को साथ लेके जाओ लाइफ, यार एक साहब है उन्होंने कुछ वेंटिलेटर की जुगाड़े और कुछ मास्क वगैरह बनाए हैं, और वो उन्होंने उसके जो सोर्स है, सोर्स कोड ओपन सोर्स उन्होंने कर दिया है, काफी अच्छा काम किया है। अभी मैं उनको लेना चाह रहा था मगर उनका अभी अभी मुझे मैसेज आया कि उनके पास मास्क नहीं है दिखाने को, तो इट वुड बी अनफेयर कि वो लाइव आए वो अपना प्रोडक्ट भी ना दिखा सके। होपफुली उनको मैं कल ले लूंगा लाइव। एक चीज आपको याद होगा, मैंने फाहद भाई को ये पॉडकास्ट में बुलाया था, मुहाफिज ऐप जिन्होंने बनाई थी जिसके जरिए आप अपने ब्लड ड्राइव्स कर सकते हैं, अगर किसी भी शहर में किसी भी किस्म की इमरजेंसी है आप उस ऐप पे जाके ब्लड डोनर्स ढूंढ सकते हैं, अगर आपका कोई बच्चा गुम गया है आप पूरी कम्युनिटी को पुलिस बना सकते हैं उस ऐप के थ्रू, क्योंकि वो उसकी पेनिट्रेशन इतनी अच्छी, तो बहुत ब्रिलियंट आइडिया, और वो पिछले 5 साल से उस चीज पे काम कर रहे हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड है, बड़ा क्लोजली मैं उनको जानता हूँ, बड़ा क्लोजली मैं मुहाफिज ऐप को फॉलो कर रहा हूँ। कल पता चला जी, अबरार उल हक साहब हमारे जो बहुत बड़े सिंगर हैं बिल्लो दे घर, उन्होंने जो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट जो कि टिपिकल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके उन्होंने वही ऐप मुहाफिजी के नाम से, ये भी नहीं कि हाफिजा कर देते, मुहाफिजा कर देते, मुहाफिज ही के नाम करके आरिफ अलवी साहब को पेश कर दी, और आरिफ अलवी साहब ने उसको बड़ा प्रेस किया कि माशाल्लाह बड़ी ऐप बनी है, क्या काम किया।
सीधा सीधा छापा यार। देखो यही वजह है हमारे मुल्क में ना, लोग जो अच्छा काम करना चाहते हैं या अच्छा काम करना जानते हैं ना, तो इस तरह की चीजों से वो डिस्करेज होता है, और फिर एट द एंड वही होता है, भास भाई की तरह मौसम चले जाता है, दिल बर्दाश्त बेतहाशा मिसाल है हमारे मुल्क में। जो काम कर रहा है उसको प्रमोट नहीं करते, उसके टांग खींचने वाले पहले बैठे हुए, फिर किसी भी किस्म की जिद्दत को समझते कि जी ये कोई हराम है या कोई इसने कुछ ये किया है, कुछ वो किया, उसको डिस्करेज करते हैं हमारे। और जैसे वो बच्चे ने लांडी में जहाज बनाया था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये राइट ब्रादरान ने 1911 1912 में जहाज अगर कराची में बनाया होता तो अभी, ये तो साहिवाल में बनाया था तो कंडा पुलिस ने तो फाड़ देना था उनको, ये जी ये क्या बना दिया, ये तो जिन भूत बन रहा है। तो हम तो डिस्करेज करते हैं। अच्छा यार ये सीन है, वेरी सैड। कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये होपफुली ये सारी एक साथ ओपन कर लेता हूँ। ये अपने अगर आप बैठे हुए हैं तो जरा पेन पेपर लेके बैठ जाएं या स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दें, कि मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, आपकी करियर में आपकी जिंदगी में काम आएंगी। अब आप आए हुए हैं तो कुछ आए हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, तो ये जरा ले जाएं आप इंफॉर्मेशन। मैं आप ये रहे ठीक है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, टॉप साइट्स टू रिव्यू योर रेज्यूमे फॉर फ्री। रिज्यूमे तो आप चले बना लिए, अब रिज्यूमे रिव्यू कौन करेगा? ठीक है, तो उसके लिए ये 10 वेबसाइट्स हैं, ये इन्होंने दी हुई है। जेटी रिज्यूमे बिल्डर है, रिज्यूमोनिक, रिज्यूमोंक है, रिज्यूमे.com, विजुअल सीवी, सीवी मेकर, रिज्यूम अप, रिज्यूमे में, हाँ ये आ गया। तो ये यहाँ पे जाके आप अपना सीवी, रिज्यूमे जो है रिव्यू करवा सकते। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये फ्री है, अच्छा फ्री है ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अगली वेबसाइट का ये अगली अगर इसी के अंदर खुल जाए यार, एक तो ना ये कसम खुदा की, जूम। टॉप साइट्स फॉर योर करियर, ऑब्वियसली लिंक्डइन, जैसे कि मैं आपको बोला है कि भाई जिस तरह फेसबुक पे रोज जाते हो, यूट्यूब पे रोज जाते हो, अगर आप लिंक्डइन पे रोज नहीं जाते तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ गुड। इंडीड हो गया, करियरिज्म हो गया, जॉब हंट हो गया, जॉब बेट, करियर क्लाउड, GM4GH, पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग, जिबर जॉबर, नेबर्स हेल्पिंग नेबर्स, ये बड़े काम की वेबसाइट्स हैं फॉर योर करियर। ठीक है, इसी तरह ये अगला देख लें, स्क्रीनशॉट लेते हैं साथ साथ। टॉप साइट्स फॉर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, वो लोग स्मार्टफोन पे पूछते हैं जी कहाँ से मिलेगी फ्री कोर्स। भाई जिस तरह आप ढूंढ रहे हो, मुझे ढूंढ रहे हो, इसी तरह आप यही चीज आप गूगल पे लिखो, सारे जवाब। तो कोर्सेरा है, एडेक्स है, खान एकेडमी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, खान एकेडमी की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, जरा चेक। CNN की एक रिपोर्ट थी उनके ऊपर, इज अ बांग्लादेशी अमेरिकन हेज फंड का चीता, करोड़पति आदमी, इतना कमा रहा था। एक दिन अपने कजन को उसने ऑनलाइन सिखाने के लिए कोई लेसन था, इस कजन वॉज बैक इन बांग्लादेश, ऑनलाइन पढ़ाया, तो उसने सोचा जब मैं उसको पढ़ा सकता हूँ तो इस तरह मैं और क्लासे बनाया। तो ABCD से लेके कैलकुलस तक हर चीज वो आदमी पढ़ाता है ऑनलाइन, बहुत बड़ा चैनल है, बिल गेट्स ने उसको एंडोर्स किया, तो बहुत जबरदस्त। तो ये और नंबर 10 पे जो टेड रही है, तो मेरा फेवरेट चैनल है, आप इसको यूट्यूब पे फॉलो करें, बड़े काम की चीजें आपको मिलेंगी। MIT, स्टैनफोर्ड, कोड अकेडमी, आई एम प्रीटी श्योर हार्वर्ड के भी कुछ होंगे, यूडेमी, तो घरेलू नाम है, घर का नाम है, तो ये है सही। अगला देख लें जी, टॉप 10 साइट्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, एम्बिशन बॉक्स, एस द इंटरव्यू, गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, गेन लो, करियर कप, कोड करियर, इंटरव्यू अप, इंटरव्यू बेस्ट, इंडिया बी एक्स, इंडिया बिक्स, इंडिया बिज। तो ये आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। आई हैड अ वेरी वेरी गुड डिस्कशन विद अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड ऑन इंस्टाग्राम लाइव 2 हफ्ते पहले, उन्होंने काफी स्किल्स सिखाई, काफी काफी चीजें समझाई थी, हाउ टू एस योर जॉब इंटरव्यू, हाउ टू एस योर रिज्यूमे। सैडली इंस्टाग्राम में कोई एरर था, वो लाइव फीड जो है सेव नहीं हो पाई और वो उड़ गई, और बस तो लाइक जिन्होंने सुन ली उन्होंने फायदा उठाया। अच्छा जी, टॉप 10 साइट्स टू लर्न एक्सेल फॉर फ्री। देखिए एमएस एक्सेल अगर नहीं आता तो आपकी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, मतलब बहुत सारे जॉब्स में, ये तो मतलब हर जॉब में बहुत ही रेलेवेंट एप्लीकेशन है।
तो एक्सेल में ये नंबर 3 में मैं चंदू देख रहा हूँ, ये कोई इंडियन यूट्यूबर होगा जो सिखा रहा होगा। इंडियन लेसन बहुत अच्छे हैं यूट्यूब, और आई एम प्रीटी श्योर हमारे मुल्क के भी होंगे, मगर ये के टॉप 10 में ये वाले हैं, सो दीज आर रेकमेंडेड। तो आई थिंक यस, यही चार चीजें थी तो आप लोगों से। ओके सो जरा मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूं। पढ़ाई की बात की, फौरन 1400 से 900 हो गए, यही है भाई, सबको मस्ती चाहिए, क्या करें यार लोगों की। हम स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते, तो ऑनलाइन पढ़ा बता रहा है गंजे, तो वो तो लग रहा है आपकी जबान से ही लग रहा है बेटा, आप पढ़े ही नहीं हो बस। अल्लाह रहम करे, इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि। सही है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन पीएम फंड? भाई बोलूंगा फिर गालियां भरे भर गए के यूथ के आ जाएंगे सारे। सीधा सीधा भाई, जो डैम फंड की टोपी थी वही पीए की टोपी होगी। मैंने कहा भाई हाजिर हैं, ऐसे हाजिर हैं, देने को तैयार है, पिछले वाले का हिसाब दे दो कहां लगे। पहले बोला डैम फंड है, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट किए, पूरी दुनिया से इकट्ठा किया, जब पूछा के कहां है, ओ वो तो अवेयरनेस फंड है। तो पहले बोलते डैम अवेयरनेस फंड नहीं, पहले बोला डैम फंड वल्ली भाई। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी वो कहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उससे बहुत पैसा आ रहा है, तो वो जो उससे पैसा आ रहा है प्रॉफिट, वो लगा लो। हर चीज में ओवरसीज पाकिस्तानी, हर चीज में ओवरसीज पाकिस्तानी। देखो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ओवरसीज तो पहली बात है, बनाई बेचारा ऐसे उसको अपने बोलने अपॉर्चुनिटीज नहीं, घर छोड़ना आसान बात नहीं है, चाहे आप जो है ना गूगल के सीईओ भी लग रहे हो ना, घर घर होता है ठीक है। तो एक तो मुल्क छोड़ो, फिर उसके बाद इतनी मुश्किल वर्किंग कंडीशन बाहर मुल्क की, ठीक है ना, सुबह उठ के 4:30 बजे जो है ना, पहले तो गाड़ी के ऊपर से ब्रफट आओ, चाहे आप कनाडा में हो या यूरोप में हो, 4 महीने तो आपकी ये रूटीन है। उसके बाद लंबी लंबी शिफ्टें हैं, फिर खाना भी सही नहीं मिल रहा, पक रहा है नहीं, पक रहा नहीं, पक रहा, हलाल का इतना इशू है, इतनी मुश्किल से लोग जीते हैं, लेकिन पीछे मुल्क बैठा हुआ है हमारा, कोई भी मसला। हाँ जी ओवरसीज, अच्छा ओ यही ओवरसीज जब ट्विटर पे फेसबुक पे बात करते जी ऐसे नहीं, ऐसे मुल्क को चलना है, तो गालियां भी ओवरसीज को पड़ती हैं कि तुम तो वहां बैठे हो कनाडा में मजे कर रहे हो, हैं वहाज भाई तुम तो बॉस्टन में हल्ली वल्ली मजे कर रहे हो, और हमें सिखा रहे हो कैसे करनी है, पहले यहाँ हो फिर पहले भगाते हो, ऐसे हालात क्रिएट करके वो लोग भागते हैं। और फिर वो क्यों ना बोले, उनका स्टेक है, एक आदमी बाहर है तो उसका पूरा खानदान जो पीछे है ना वो तो बोलेगा। लेकिन देखें जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर घरों में क्या होता है जी, एक बंदा भाई दुबई में, पीछे 10 लोग घर में ऐसे बैठे, आए दिन आईफोन भेज दो, फलानी के खतना है उसके पैसे भेज दो, फलानी की शादी है जोड़े लेने पैसे भेज दो, वो बाहर वाला कमा कमा के सऊदी में वो मेरे जैसा गंदा हो जाता है 30 से पहले ही, ठीक है ना। यही चीज हमारी गवर्नमेंट का ओवरसीज पाकिस्तानी, कोई मसला हो ओवरसीज बैठे, हाँ यार थोड़े डॉलर तो भेजना जरा, तुम क्यों नहीं पैदा करते यार, तुम क्यों नहीं ऐसे मवा के, क्यों नहीं इंडस्ट्री खड़े करते यार। तो पीएम फंड देखो अगेन, हर चीज में यार, हर चीज में तो नहीं लोगों से देना ना, पूरी दुनिया पैकेज दे रही है, अब हम गरीब मुल्क है तो भाई गरीब है तो फिर किस तरह निकलेंगे, वो प्लान बताओ ना। अब जैसे टाइगर फोर्स, जब टाइगर फोर्स करेगी किस तरह, ये प्लान तो बताएं किस तरह। आप डू यू हैव डेटाबेस के कितने डेली वेजर हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं और कौन कौन है डेली वेजर? आपको तो डेटाबेस ही कोई नहीं, किस हिसाब से बांटोगे? अब 5.5 लाख तो ऑनलाइन लोगों ने साइन अप कर लिया, मैं देखता हूँ सड़क पे कितने आते, 5.5 हजार से ऊपर आ जाए देख लेंगे वो भी ठीक है। फिर क्या भाई, पहले ही लॉकडाउन है तो हमें घर पे रहना है, तो आप वही 5.5 लाख लोग और सड़कों पे लाओगे, फिर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लॉकडाउन। इससे अच्छा वो मुनीर नायर जो है फाउंडर ऑफ बाइक, उन्होंने अच्छा आइडिया दिया था कि भाई मेरे पास 30 हजार का, 30 हजार बंदा बैठा हुआ है, वो वैसे ही फारिग है, उनके पास बाइक भी है, बाइक के फाउंडर है, उनके पास स्मार्टफोन भी है, उनको ट्रैक भी करना आता है, आपने सिर्फ कोऑपरेट करना है, मेरे पास फोर्स खड़ी है, क्या जरूरत है नई शर्टें बनाने की, उन्होंने नई शर्टें बना दी। डॉक्टर बेचारे गार्बेज की थैली हाथ पर सर पे चढ़ा के इलाज कर रहे हैं, या नई शर्टें बन गई। तो ये बातें असल में जो जो ना वंस है ना उनको समझ नहीं आता। अब यार अब गालियां यहाँ शुरू हो जाएंगी, यहाँ नहीं तो ट्विटर पे शुरू हो जाएंगी, वल्ली भाई। तो ये ओपिनियन मेरा भाई, कोई रूट मैप तो बताओ, कोई रोड मैप दिखाओ, कोई क्या प्लान है, क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नई चीज कर लेंगे, कर लेंगे, क्या होता है, ऐसे नहीं होता भाई। बहुत लोग जो है माशाल्लाह कॉमेडी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना अभी हमारे
अस्ताना साहब दुनिया से रहलत फरमा गए, तो ये जो है उनकी रिप्लेसमेंट है, जो कि मेरी लाइव फीड में कॉमेडी कर रहे हैं, फिर इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर लाल कलर से यू करेंगे, फिर मीम बाय गुज्जर मीम बाय ये उस पे लगाएंगे, हाँ हाँ बहुत मजा आया, क्या कॉमेडी, इतनी कॉमेडी, अपना पेज बनाओ, कोई कॉन्टेंट बनाओ। अच्छा जी सबसे बड़ा सोशल इशू क्या है पाकिस्तान में? कम से कम मेरी नजर में ये है कि देखें, पाकिस्तान इज अ सुन्नी मेजोरिटी मुल्क, ठीक है, आप जितने भी दूसरे मसलक देख लें उनमें कम्युनिटी सेंस है, और इंसान हमेशा कम्युनिटी में ही रह के आगे बढ़ा है, चाहे वो छोटी ट्राइब्स हो, छोटी कम्युनिटीज हो, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। अब आप देख लें एलिफ रशी में एक कम्युनिटी सेंस है, आगा खानियों में मैंने क्लोजली देखा है, इस्माइलियों में, आफानी इज नॉट द राइट वर्ड, इस्माइलियों में मैंने देखा है, बोरा कम्युनिटी में मैंने देखा है कि अगर कोई गरीब है तो एक ऐलान होगा कि जी आज से ना, जो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक कागज का काम चल रहा है, पेपर मार्केट में उसकी दुकान, ये सारे जो है हुजैफा से पेपर खरीदेंगे, तो क्या उसका हुजैफा भाई का बिजनेस लिफ्ट हो गया? अब हुजैफा भाई चार लोगों को खड़ा करेंगे, कम्युनिटी इस तरह चलता, तो आपको ये हर कम्युनिटी में मिलेगी, सिवाय सुन्नी बिल्कुल बिखरे पड़े हैं, हर गली में जो है ना बिखरे हैं, कोई कम्युनल सेंस नहीं है, और जो है इसी तरह कोई डेटाबेस भी नहीं है, वरना ये चीजें बड़ी आसान है। देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर गली में मस्जिद है, और ये इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसके जरिए आप बिल्कुल ग्राउंड में जाके जो है आप वो फलाही काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मस्जिद से तो सब मुंसलिक है, ठीक है ना, तो लेकिन चूंकि हमारे कम्युनिटी सेंस नहीं है, तो सबने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद की है, तो इस तरह सब बेफरे होने, तो सोशल जो मसला जो है ना कम्युनल नहीं है, लोग बिल्कुल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू लॉस ऑफ टॉलरेंस इन एजुकेशन है। एब्सोल्युटली, देखो वही वाली बात है, अब ये सारी चीजें कम्युनल, जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। अब जैसे देखें हम भी सोशल स्टडीज पढ़ के इस मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े हुए थे, तो हमें इंडिया से भरपूर नफरत थी और सब कुछ था सब कुछ था, लेकिन जब रोजगार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए, जब इंडियंस के साथ रहना पड़ा, जब इंडियंस के साथ उसी प्लेट में खाना पड़ा, जब इंडियंस के साथ कपड़े धोने पड़े, जब इंडियंस के साथ खाना पकाना पड़ा, तो पता चला यार हमसे ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है, ठीक है ना, तो जब बंदे क्लोज होते ना तो नफरतें ऐसे ऐसा खत्म होती, फिर आपको समझ आता है कि हाँ यार मे बी नफरतों से बढ़ के भी एक दुनिया है, और नफरतें साइड में करके अगर हम अच्छी चीजों में पॉजिटिवली कोलैबोरेट करें तो आगे जा सकते हैं। कम्युनल सेंस आ गई ना वहां पे, तो चूंकि हम दूर रहते हैं तो हम डरते रहते हैं कि पता नहीं वो कैसा है, पता नहीं वो कैसा है, और जो दुनिया भर में इस्लामोफोबिया है उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन जो मुझे समझ आता है मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, ये हर पे आखिर नहीं है, उसकी वजह ये है कि मुसलमान, खासतौर में पाकिस्तानी की बात करूंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से, और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज को क्लोजली देखता हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो जहां भी जाते हैं उनके दोस्त भी पाकिस्तानी होते हैं, उनके घर में ARY और जियो ही चल रहा होता है, और उनकी हर चीज पाकिस्तानी ही होती है, वो उनका सिर्फ ग्लोबल पोजिशनिंग चेंज होती है, बाकी उनकी हर चीज पाकिस्तानी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा, अब कुछ लोग बोलेंगे तो क्या शराब पिए सुअर खाएं, मैं ये भी नहीं कह रहा, देखिए एक्सट्रीमिस्ट है ना हम, ये नहीं तो फिर बिल्कुल बोल, ऐसा नहीं, मॉडरेट, कितने आपके जितने ये नीचे कमेंट कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई मामू चाचा ताया फूफी खाला कनाडा में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, अमेरिका में भी होगी, कहाँ नहीं पाकिस्तानी, कहाँ नहीं है, मुझे तो सोमालिया से भी मैसेज आते, जब मेरी पहली वीडियो हुई थी मैं, और ये जो जंग हुई थी रशिया और यूक्रेन, जो एक जगह घुस गया था, मैं उस जगह का नाम बोल रहा हूँ, वहां भी पाकिस्तानी, तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं आप जरा अभी पॉज करके या मेरी लाइव स्ट्रीम के बाद जरा उनकी प्रोफाइल पे जाइएगा, रमशा खाला की या फलाने पुप्पा की, ना उनकी लिस्ट में कोई जॉन नजर आएगा, ना उनकी लिस्ट में कोई सुजन नजर आएगी, ना उनकी उसमें कोई कैथरीन या सिंथिया या पीटर, वही हाशिम, वही भट्टी साहब, वही बादशाह भाई, वही शाहजेन भाई, वही शहरयार भाई, वही नजम भाई, वही चीजें नजर आएंगी, तो दिमाग ही नहीं खुलता, दिमाग तो तब खुलेगा जब आप एक दूसरे से मिंगल करेंगे, इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। देखिए ऑफिस में जॉब में कितना कितना इंटरेक्शन होता है, असल इंटरेक्शन होता है काम के बाद, ठीक है, अब क्या होता है वो जाते हैं तो अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, ओ अंग्रेजों से बात नहीं करनी, ये तो नंगे हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, फिर हेलोवीन पे अगर बच्चे टॉफी लेने घर पे आते हैं तो लात मार के भगाते हैं, लात तो फिर नहीं मार सकते, यहाँ पे मैं वो महावरतन कह रहा हूँ, मगर गुस्से का इजहार किया जाता है, और फिर बच्चों को देखिए
बच्चा जो होता है ना पैदाइशी, वो मोहब्बत करता है, वो हंसता है खेलता है, वो सबको एक जैसा समझता है। नफरत जो है ना ये बाकायदा सिखाई जाती है, शिया के घर से पानी नहीं पीना, वो हिंदू से दूर रहना है, वो क्रिश्चियन है उससे बात नहीं करनी, ये सिखाई जाती है। इट्स अ टॉट ट्रेट, हेट्रेड इज अ टॉट ट्रेट। इंसान बुनियादी तौर पर प्यार ही करता है। आपने कितनी वीडियो देखी होगी, गोरा बच्चा है काले बच्चे को गले लगा रहा है, लेकिन जब वही गोरा बच्चा बड़ा होगा काले से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिखाया जाएगा सिस्टमैटिक। हमारे यहाँ भी यही होता है। तो वो जब दूर रहते हैं तो आप उनको नहीं समझ पा रहे होते, कि वो इस तरह देखते हैं यार, एक तो ये हमारे मुल्क में आते हैं, हमारे मुल्क में कहते हैं जी कल्चर खराब है और ये है वो है, और जो है यहाँ पे हमें शरीयत चाहिए, शरीयत चाहिए तो सऊदी चले जाओ, वहां पे है ना, जिस मुल्क से आए हो वहां नहीं मिली तो यहाँ आके उसको वही बनाने जिससे पहले वाकया, इनका ये कहना होता है। तो चूंकि गैप बहुत होता है, कम्युनिटीज नहीं मिलती आपस में, जब मिलोगे वो कहते हैं ना जुड़ोगे तो जानोगे, आतिफ का गाना था ना गालिब, तो जुड़ते नहीं है तो नफरतें रहती हैं, फिर उनको ये लगता है यार ये हमारा मुल्क इन्वेड कर रहे हैं। फिर पीटर के घर तो एक बच्चा होता है, आशिम भाई के घर जो है हर साल आ रहा होता है प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है बेनिफिट भी लेना होता है, किसी बच्चा 100 पाउंड हफ्ते का जो आता है वो तो बुरा नहीं लगता, काफिर का 100 पाउंड थोड़ी बुरा लगता है, काफिर बुरा लगता है। तो चार चार बच्चे यहाँ, उनका जो बर्थ रेट है वो 0.समथिंग है, 1 भी नहीं है, 0.समथिंग है, और हमारा जो है 4 से ऊपर जा रहा है। तो वही देखते हैं 40 साल बाद तो ये घूमने होंगे। आज निकले ना लंदन का मेयर, हमारा कह रहा हूँ मेरा थोड़ी है, लंदन का मेयर जो है पाकिस्तानी डिसेंट, पाकिस्तानी नहीं है वो खुदा के वास्ते ये, और ये आमिर खान बॉक्सर को जो कहते हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी नजाद हो सकता है, वो पाकिस्तानी नहीं है, ही इज अ ब्रिटिश, ठीक है ना, मगर हम अच्छी चीजें को पाकिस्तानी कर देते हैं, मगर वही कोई अगर नजाद पाकिस्तानी कहीं बम फाड़ देता तो नहीं, वो तो वहां का था हमारे, हम अच्छी चीजें उठाने नहीं करते। तो देख लेना अब लंदन का मेयर भी है, अभी अगर खुदा ना खासा बोरिस जॉनसन कुछ होता है तो नेक्स्ट इन लाइन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर हुज इंडियन, एंड ऑल्सो आई थिंक डिफेंस तो नहीं लेकिन कोई और है वो भी इंडियन के पास पड़ी। तो ये जब इस तरह देखते हैं कहीं हमसे मिलते भी नहीं है और ये जो है हर चीज में ऊपर आ रहे हैं, तो फिर जाहिर है बड़ी नफरत कभी, नफरत कभी तो क्राइम कभी, जो कि आप देख रहे हैं पूरे यूरोप में हर जगह। तो यार आई होप आई मेक एनी सेंस। लोगों के फनी कमेंट्स देख के अफसोस हो रहा है कि कितना इतना काबिल आदमी कुछ बोल रहा है बट तुमने अपनी सोच के मुताबिक उनकी लाइफ देख रहे हैं। खैर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई आलिम काबिल कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं आप जैसा आम इंसान, जैसी दुनिया आप देखते हैं मैं भी देखता हूँ, अपने ओपिनियंस निकालते हैं। मगर यार वही वाली बात है ना, देखो सबके अपने अपने ऊपर है, कुछ लोग अमेरिका जाते हैं तो वो वहां की खूबसूरत बिल्डिंगें देखते हैं, खूबसूरत नेटवर्क देखते हैं कि यार जमीन के नीचे ट्रेन भी चल रही है, ऊपर ट्राम भी चल रही है, टैक्सी की अलग लाइन, बस की अलग लाइन, साइकिलिस्ट की अलग लाइन, पैदल की अलग लाइन, कोई टकरा नहीं रहा, सब सही चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जाते हैं, नंगी लड़कियां थी वहां पे, टांगे दिख रही थी वहां पे। तो इंसान जो होता है वो वही देखता है। वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बिकमिंग्स, वी बिकम वॉट वी एक्सपीरियंस। आपके साथ जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी, आप अच्छे इंसान बनेंगे। आपने जिंदगी भर अगर आर्ट से ताल्लुक रखा होगा, मौसीकी से ताल्लुक रखा होगा, मुसव्वरी से या किसी भी किस्म के थिएटर से, इन चीजों को करीब रहे होंगे तो आप में जो है ना शाइस्तगी होगी। लेकिन अगर आप जो है ना गुंज बंद माहौल में पड़े पड़े होंगे तो आपके अंदर नफरत होगी, गलाजत होगी सामने। अब हमारे यहाँ कहते हैं जी आर्टिस्ट की कल्चर है, अब पूरा मुल्क लॉकडाउन में पड़ रहा है और पूरा मुल्क जो है नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, स्पॉटिफाई पे चल रहा है, अटारी पे चल रहा है, साउंड क्लाउड पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, क्या देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे हैं, जो है ड्रामे देख रहे हैं। ये आर्ट ही तो है, आर्ट की वजह से तुम लोगों का चल रहा है भाई ये हिसाब किताब। अब सोशल मीडिया में भी तो आर्टिस्ट, मैं भी तो आर्टिस्ट ही हूँ ना, मुझे देख रहे हो ना ये 1,000 लोग जो बैठे हैं, तो वैसे आर्ट कंजरों का काम है, लेकिन देखते इनके बगैर इनका इनका जो है ना एक दिन लॉकडाउन गुजार के दिखा, कोई भी आर्ट से हट के कोई चीज, कोई भी आर्टिस्टिक चीज को एक्सपीरियंस किए बगैर दिन गुजार के दिखाओ लॉकडाउन, बाल नोच लोगे अपने, मगर वो आर्टिस्ट कंजर है। तो यार एनी प्लान फॉर अरबाइन वॉक? नॉट इन दिस क्लाइमेट फिलहाल तो भाई। मुझे दावत आई थी, मैं जैसे कि आप लोगों को याद होगा मैं इराक गया था, वो एक टीवी चैनल की ट्रांसमिट, रमजान ट्रांसमिशन के सिलसिले में उन्होंने काफी आर्टिस्टों को डिफरेंट मुल्कों में भेजा था ये देखने के लिए कि वहां रमजान किस तरह मनाया जाता है। और चूंकि सारा इस्लाम ही या तो हिजाज सऊदी अरेबिया या इराक से निकला है, तो सऊदी ने इजाजत दी नहीं थी, इराक कोई जाना नहीं चाह रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप जा सकते हैं, तो मैंने बोला मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं, खली वली। मैं वहां गया तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, जो कि आपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी देखा होगा जो मैंने वहां बनाया था।
बाद से मुझे काफी लोगों ने दावत दी अरबईन वॉक की, कि आप वो आके एक्सपीरियंस करें। तो वो अब जाहिर है हर साल अगर जाने लगा तो अभी पहुंचा था मैं इराक, तो भाई हो शिया हो तुम, काफिर हो, खटमल हो, ये शुरू हो गया था। हालांकि उससे 2 महीने पहले उमरे पे गया था, उस वक्त किसी ने नहीं बोला था कि तुम वहाबी हो, देवबंदी हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, नहीं बोला था। इराक लैंड हुआ, स्नैपचैट डाला है, ठीक है, वो लोकेशन आया थी ना नजफ की, आ गई थी, नजफ लैंड हुआ था, फौरन फतवे। तो अगर मैं हर साल चला गया तो पक्का कर देंगे भाई, पता नहीं आप लोग हमारी वहां का। डिस्कस द इशू ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस प्लीज। यार ये मैं काफी चीजें देख रहा हूँ और काफी बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इशू क्या है। मेरी अभी तक किसी स्टूडेंट से डायरेक्टली बात नहीं हुई, उनके से मैसेजेस आते हैं जी ये हो रहा है, इसको बंद करवाए, कोई रीजन नहीं बताते। एक से मैंने वन ऑन वन पूछा कि जी रीजन क्या, कहे नेट नहीं चल रहा, लेकिन फिर उन्हीं के मैं स्टेटस पे भी मनी हाइस्ट पूरा चार्ट लिया था एक ही रात में, तो नेटफ्लिक्स के लिए नेट चल रहा है, जूम पे नहीं चल रहा। एनीवे और भी रीजन हो सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे टीचर इसको कैलसली भी ले रहे होंगे, क्योंकि वो घर पे पजामे में पढ़ा रहे होंगे, उधर बच्चा रो रहा होगा, उधर शोर तंग कर रहा होगा, चाय बनाओ ये बनाओ, तो वो हल्ली वल्ली करा रहे होंगे, पेल रहे होंगे। यूनिवर्सिटी में तो प्रेशर होता है ना, जाहिर है मॉनिटरिंग हो रही होती है, अब घर में तो नहीं हो रही, तो प्रीटी श्योर नोइंग आवर पीपल तो वो घर में बिल्कुल पेल रहे होंगे। ओके, सऊदी अरेबिया के क्या हालात है? आई एम नॉट श्योर क्या हालात है, अगर ये कि वहां पे सिचुएशन तो है, मतलब कोरोना तो चल रहा है, एंड समबडी इन माय फैमिली डॉक्टर, ही इज ट्रीटिंग कोरोना पेशेंट्स एक्सक्लूसिवली, और उनको जो है डॉक्टर्स को और उनकी इमीडिएट फैमिली को 5 स्टार होटल्स में वो कर दिया गया, ताकि घर ना जाए और घर में जाके ना फैला दे। बाकायदा पुलिस और आर्मी उनको सल्यूट करके आते जाते होटल के बाहर, तरह का सीन है। सऊदी तो यार वो बहुत सख्त लोग हैं और वो जो है संभाल लेंगे, और उन्होंने बहुत हद तक शुरू में ही संभाल लिया था, उन्होंने समझे इस चीज को। वो अगर हमारे मुल्क में जिस तरह है हिसाब किताब होता तो लाखों लोग हो चुके। और क्या बातें कर रहे हैं, तो यार आप नेट चेक कर लो, मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ तो 50 MB चल रहा है, आई डोंट थिंक यहाँ पे मसला, आपने शिकायत की है। सलाम फ्रॉम कैंसस, नहीं कॉन्स कॉनस लिथुएनिया, यू बिलीव इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर? ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इनफैक्ट डेविड आइक, अगर आपने नाम नहीं सुना है, डेविड आइक, ICAE, ही इज अ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट, लंडन रियल के नाम से एक पॉडकास्ट है, उस पर वो काफी आता है, और कल उन्होंने आके बड़े गहरे इंकशाफात किए थे, 2.5 घंटे की वो थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी किस तरह ये 5G से रिलेटेड है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं सुनना चाह रहा था, मगर सुबह उठ के देखा तो BBC ने बाकायदा यूट्यूब को कंप्लेन करके वो डिलीट करवा, उसमें कुछ तो था कि बीबीसी को आके करना पड़ा। तो डेविड आइक जो है, वैसे तो कुछ चीजें उनकी मेक सेंस, अगर कुछ चीजों में मतलब जैसे 1991 में ही क्लेम टू बी जीसस, तो थोड़ी सी जो है ना उनकी मतलब मुझे मुझे वो वाला पार्ट अजीब लगा, लेकिन ये कि अदर देन दैट कुछ चीजें हैं, सुन ले अपना ओपिनियन बनाए। एग्जैक्टली मिनहास जुने सही कह रहे हैं, यही बात मैं कल किसी से कह रहा था कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासें, लॉकडाउन से नहीं, लॉकडाउन से पहले भी पूरी दुनिया में डिग्रियां होती हैं ऑनलाइन, मगर ये कह रहे हैं कि जी अजीब चुतिया पे ड्रामेबाजी है हमारी आवाम की, वही वाली बात है भाई। देखो जूम भी सबका चल रहा है, 40 40 दोस्त ऑनलाइन में रोज देख रहा हूँ, लोगों के स्क्रीनशॉट्स लग रहे हैं, मनी हाइस्ट पहली रात ही खत्म करके अगले दिन स्पॉइल भी कर दिया पूरी आवाम के लिए, उन सब के लिए नेट चल रहा है, नहीं चल रहा तो क्लास के लिए। लव फ्रॉम पेरिस हसान, आई होप यू डूइंग वेल, फ्रांस की भी काफी थी। एल्बर्टा से माय फ्रेंड सेज ऑल स्टोरी ऑफ 5G, आई 5G तो अल्लाह जाने भाई, मैंने मुझे कल में किसी की पोस्ट पढ़ा था, रेडिएशन वाइज 4G ज्यादा खतरनाक है 5G से, ये तो हम सब यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई हाईली डाउट दैट इज द केस, क्योंकि इतना खुला नहीं। हाँ बायोलॉजिकल हो सकता है किसी किस्म का, जो US कह रहा था कि ये अमेरिका ने किया है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इज, मैं आप लोगों को जरा ये चीज दिखाता हूँ, सेंस क्रोम ये रहा। तो जो चाइना लगा रहा है ना
कि ये यूएस ने फैलाया है, वो चाइना इसलिए लगा रहा है कि वुहान में जब ये सिचुएशन हुई उससे लिटरली 1 महीना पहले, ये आप देख रहे हैं वुहान में मिलिट्री गेम्स हुए, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मीज ने, ओलंपिक्स कह लें एक तरह से, रिप्रेजेंटेशन की कोलैबोरेशन करते हैं, गेम्स वेम्स खेलते हैं, हल्ली वल्ली। तो इस दौरान कहा जाता है चाइनीज जो कह रहे जी अमेरिकन ने आके कोई डब्बा खोला है यहाँ पे और उस डब्बे में सारी गंद हुई है, और विच इज वाई ये लोग ब्लेम करते हैं। मगर अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान ही अमेरिका का हो रहा है, वो अलग बात है कि देखिए मैं तो चाइनीज फिगर्स को मानता ही नहीं। चाइना जो है ना बहुत 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 अथॉरिटेटिव सोसाइटी है, ब्लैक मिरर आपने देखा होगा, वही चीज है वहां पे, और वो फिगर्स ही सही नहीं बताते। अब चाइना में चूंकि अक्सर लोग क्रीमेट करते हैं, जलाते हैं मौत के बाद, तो जिस सांचे में रखा जाता है उसको अर्न कहते हैं, URN उसको कहा जाता है। तो अर्न के मामले में एक तरफ चाइना कह रहा है कि जी खाली 4,000 लोग मरे हैं और फलाना फलाना, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखाता चलूं, ये कह रहे हैं यूजिंग फोटोज पोस्टेड ऑनलाइन सोशल मीडिया, लोग्स हैव एस्टिमेटेड दैट वुहान फ्यूनरल होम्स हैव रिटर्न 3,500 अर्न्स अ डे सिंस मार्च 23rd, दैट वुड इंप्लाई अ डेथ टोल इन वुहान ऑफ अबाउट 42,000 और 16 टाइम्स ऑफ द ऑफिशियल। चाइनीज फैमिलीज शुड बी स्वीपिंग ग्रेव्स नाउ और थाउजेंड स्टिल हैवंट बरीड देयर डेड। तो ये, और ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, ये आवाम अखबार नहीं कह रहा, ये कोई आम नहीं, आपको ये जरा लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई थिंक चाइनीज ने साइट ही बंद करवा, ये स्टोरी तो नहीं उठवा दी, ये बड़ा सीन चल रहा है आजकल। अच्छा जी ये तो आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे अगर आप देख रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट पे, और शुड बी स्वीपिंग ग्रेव्स बाय नाउ, तो ये कुकीज मांगते रहते हैं ना ये हर वेबसाइट, बेरीड देयर एंसेस्टर्स ग्रेव ऑन 15 डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू रिमूव वीड्स एंड ब्रश अवे डर्ट टू ऑफर फूड एंड वाइन एंड पेपर मनी सो ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा कैन एंजॉय द आफ्टर लाइफ। सैटरडे इज टूम स्वीपिंग डे बट फ्यू विल बी टेंडिंग टू ग्रेव्स दिस ईयर डिस्पाइट द मेनी रीसेंट कोरोना वायरस फिटनेस। नो वन इन द फैमिली गॉट टू से गुडबाय टू ग्रैंडपा और सी हिज फेस फॉर द लास्ट टाइम। ये तो हां, ये तो हमारे यहां भी यही रिकमेंडेशन है कि जी जनाजा शायद रेगुलर जनाजा नहीं होगा, में जो है खाली स्पेशलिस्ट लोग होंगे जो खुद ही रसूमात अदा करके दफना देंगे। कल ही एक पोस्ट आई थी यहाँ यूके में, 13 साल का एक मुस्लिम बच्चा, उसकी डेथ हो गई थी कोरोना वायरस से, और उसकी जो ग्रेव थी उसके आसपास कब्रिस्तान में जो नमाज जनाजा हो रही थी 4-4 फुट दूर खड़े हुए थे और सबने हैजमैट सूट पहने हुए। तो ये आप जैसे देख रहे हैं, मैं आपको जो फिगर बता रहा था वो इसमें नहीं मिल रही। अब ये देखिए कोरोना पेंडेमिक, ये कह रहे हैं ऑफिशियली 2,500 वुहान में मरे हैं, लेकिन जो अर्न का हिसाब किताब है ये देखिए ना, यूजिंग फोटोज पोस्टेड ऑनलाइन रिटर्न 3,500 अर्न अ डे सिंस मार्च 23, दैट वुड इंप्लाई द होल खाली वुहान में 42,000 हो सकते हैं। तो चाइना से तो भी फिगर कोई भी जो है ना वो तो मानने का ही नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर हमें लग रहा है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा केसेस हो गए हैं तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अमेरिका शायद डेटा छुपा नहीं रहा, लेकिन चाइना में से ज्यादा हो सकते हैं। और लाइक हाउ हाउ कैन यू बिलीव, वो कोई सा भी शहर खोल के दिखा दे कि जी ये देखें खुला हुआ वुहान, कितने लोग पहचान लेंगे कि वुहान है या लुहान है या क्या है या लिंडसे लुहान है। तो या ओके वर्ल्ड इज सफरिंग एंड स्टिल सम पीपल थिंक इट्स अ गेम, यू शुड डू स्ट्रीम विद सम स्टूडेंट्स एज वेल एज सम टीचर्स, देयर आर टीचर और स्टूडेंट आसपास नहीं बैठेंगे, हाँ किसी और जगह का टीचर और किसी और जगह का स्टूडेंट शायद बैठ जाए तो उनमें हो सकता है, ये मैं देख सकता हूँ। वालेकुम सलाम शोएब रसूल, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड बैक फ्रॉम दुबई डेज, डूइंग वेल भाई, लाहौर में हो या कहाँ हो? ओपन इन 2 डेज, क्या चीज मैं भूल गया, आई थिंक ये पुराने हैं।
यहाँ कनाडा में सिर्फ 8 लोगों को अलाउ किया था फ्यूनरल में विद शॉर्ट सेरेमनी। तो देख लें भाई, जो लोग सुन रहे हैं, ये बात मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ट्विटर पे उठाई थी। उस वक्त तो कोई डेथ भी नहीं हुई थी और मैंने यही कहा था कि आई होप ये सिचुएशन इस तरफ ना जाए, लेकिन इनएविटेबल है, पूरी दुनिया में डेथ हो रही, तो हमारे यहाँ भी होगी। तो इन दैट केस क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि हम तो निपटते हैं लाशों से, जाहिर है, प्यारा कोई घर का जाता है तो बंदा गले भी लगाता है, चूमता भी है। मैंने दोस्तों को देखा, अपने वालदेन को कब्र में उतारते हुए, उनका माथा चूमते हुए, और जिस तरह हमारे पे रिश्तेदार लिपट लिपट के रोते हैं। अगर वायरस का, अब मैं आई एम नॉट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, तो आई एम नॉट श्योर वायरस कितनी देर जिंदा रहता है इंसान के अंदर या नहीं रहता, या क्या क्या प्रोटोकॉल्स है। तो ये जो तस्वीरें, जिस तरह की, हम जैसे ये भाई ने कनाडा से लिखा हुआ था, तो ये बिल्कुल इसी तरह है। 10 पीपल अलाउड इन न्यूयॉर्क सिटी। तो देख रहे हैं आप, ये लोग जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, तो अब ये इस तरह है पूरी दुनिया में। तो आई होप हमारे मुल्क में भी यही प्रोसीजर्स अपनाए जाए। ये नहीं कि कब्रिस्तान में अब्बू को छोड़ने जा रहे हैं तो 15 दिन बाद अब्बू के बराबर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फुल टाइम इस तरह का कर लिया था सर। चाइना इज बैक टू नॉर्मल एक्सेप्ट वुहान विच विल बी फिनिशिंग इट्स लॉकडाउन इन 2 डेज। शाजिल, मैंने अभी अभी एक तस्वीर देखी थी, वुहान में लॉकडाउन गालिबन हटा दिया गया है, बट लाइफ इज स्टिल नॉट बैक टू नॉर्मल बिकॉज लोग डरे हुए। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, इस लॉकडाउन के बाद हम कितना मेंटली प्रिपेयर होंगे, हम कितना डरे हुए होंगे। अब जिस तरह हमारे तो फुटबॉल के मैचेस चल रहे हैं, शायद हम ना हो, लेकिन जहां जहां प्रॉपर लॉकडाउन है वहां बाकी लोग डरे हुए। पेरिस में भी 15 लोग अलाउ हैं। जुनैद भाई, मूवी सजेस्ट करें। अच्छा यार, चले यार, अगर ध्यान बढ़ाने के लिए मूवी देखनी, मैंने पिछले दिनों 2 मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे। एक तो द लिंकन लॉयर, वो बहुत ही अच्छी मूवी थी, मैथ्यू मैकोनहे की, और दूसरी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म में कैपिटलिज्म बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, किस तरह हमारी पूरी दुनिया जो है, हम लोग एक, वी लिव इन द टाइम ऑफ अबंडेंस, इस वक्त पूरी दुनिया में इतना फूड अवेलेबल है कि सबकी जरूरत पूरी कर सके, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी इनइक्वल है जिसकी वजह से बहुत से लोग रह जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म में एग्जैक्टली ये चीज दिखाई है कि एक जेल है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, खाना सबका बराबर आता है लेकिन बारी बारी आता है, तो शुरू वाले ही सारा खा जाते, तो एंड वाले भूखे रह जाते, तो मारा मारी खा जाते। तो वेरी गुड फिल्म, बहुत बहुत खतरनाक है, अगर देखने का जिगर है, क्योंकि इट्स वेरी गोरी गोरी, वो वाली गोरी नहीं, गोरी, तो बहुत खून खून और गंदा वायलेंस है। सो लाइक व्यूअर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। इस्लामाबाद में 18 केसेस नियर बनीगाला एंड 6 केसेस इन एयरपोर्ट कॉज ऑफ फ्यूनरल। तो आज भी मुझे, अभी किसी का कनाडा से मैसेज आया कि सास की डेथ हो गई, दुआ कर सकते तो कर लीजिएगा दिल में। वो बता रही थी कि उनकी फैमिली, और रिमेम्बरिंग कहाँ से वापस, नहीं, हाँ, उनकी फैमिली में एक डॉक्टर है, वो केनिया से वापस आए, जिनकी वजह से पूरे घर को हो गया, सब सरवाइव कर गए, लेकिन वो उनकी सास, वो ओल्ड थी, वो सरवाइव नहीं। तो ये बड़ा पैरासाइट मूवी मैंने अभी खुद ही देखी, रमीज, हालांकि ऑस्कर भी नहीं गया तो अच्छी ही होगी, लेकिन मैंने अभी तो खुद ही देखी, तो मैं बगैर देखे रिकमेंड नहीं कर सकता। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कैमरे से दूर रहें। यार असल में वो बहुत ज्यादा ही, मैं बहुत दूर हूँ, अगर इसका फोकस मुझसे, यार आई एम वेरी टेक्नोलॉजिकली नॉट साउंड। मान एजाज अपनी औकात दिखाते हुए ये हो गए ब्लॉक जिंदगी भर के लिए। क्रिप्टो करेंसी, जवेरिया, मरियम, जवेरिया, आई एम नॉट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं क्रिप्टो करेंसी की, तो अलावा बात नहीं कर सकता, सो नॉट द राइट पर्सन। ओके, व्यूज ऑन ब्लॉकचेन, सेम थिंग। तो यार ये सिचुएशन थी, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड इट वाज वेरी थॉटफुल और फ्रूटफुल। आप लोगों के लिए जो चीजें मैंने शेयर की थी, वो आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर ली हो। जहां भी रहें, खुश रहें, ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, और माय बुक सेपियंस इज गोइंग रियली वेल। मैंने उसके पहले दिन 50 पेज पढ़ लिए, फिर उसके बाद 2 दिन से छुट्टी की, गया छुट के बैक टू दैट बुक, वेरी वेरी गुड बुक बाय यूवाल हरारी। 3 किताबें हाईली रिकमेंड, लाइक लोग हाईली रिकमेंड करते हैं, अभी तक मैंने एक शुरू की है, मैं उसी का ही कह सकता हूँ। ओके,
What's happening with Boris? Well, he's in ICU. Kuch kuch news outlets keh rahe hain he's out of the danger, but it's too early to say. I'm not sure. But इंसान है, दुआई कर सकते हैं. मैं वो वाला हिसाब नहीं है कि जी चूंकि आप की पॉलिसी में मानते तो मर जाए. बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, अल्ली बल्ली यार. वो आज है वजीर आजम, 2 साल बाद वैसे भी नहीं होना. अब वो साइड पे रख के इंसान इंसान वो कर. थैंक यू सो मच गाइस. आई एम सॉरी, बड़ा लेट सेशन शुरू किया था मैंने, और मैं कुछ चीज करना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे मशवरा करूंगा. आज नहीं, मैं पहले अपने आपसे मशवरा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं एक चीज करना चाह रहा हूँ ताकि इसको और हम थोड़ा एंटरटेनिंग कर सकें, थोड़ा कोरोना से थोड़ा दिमाग हटाने के लिए. क्योंकि जाहिर है, आई एम श्योर आप लोग देखना ना रहे होंगे व्हाट्सएप पे कोरोना, टीवी पे कोरोना, बाहर कोरोना, अंदर कोरोना. तो उससे थोड़ा सा हटके मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी और तो इस पे बात करेंगे. चलो चले, अपना ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा.